नाराज नहीं तो तुमसे क्यों नाराज हूं मिलकर? खाना वक्त पे भिजवा देना। ये क्या भाभी, नौकर सब क्या हुए? क्या पता कहां मर गए हैं सबके सब। सारे घर का काम तो मुझे ही करना होता है। नहीं मैं पहुंचा दूं। बस बस, ये लार तो उसे लड़ाओ जो रानी बनकर बैठी है। आप लीला पर नाराज ना हो, उसे तो मैंने मना कर रखा। आप तो जानती हैं आजकल उसकी क्या हालत है, और फिर थोड़े ही दिनों में वो एक सपोलिए को जन्म देने वाली है, अपने पाप के कलंक को हमारे माथे पर थोपने वाली है। क्या कह रही हो भाभी? वही कह रही हूँ जो सारी दुनिया कह रही है। पूरे 4 दिन एक डाकू के पास रहकर आई थी, और वो भी जग्गा जैसा डाकू। याद नहीं किस अपराध की सजा दिलवाई थी उसे? दुनिया को गंद उछालने में मजा आता है, जैसे लोग होते वैसे दूसरे को भी समझते। तो क्या तुम भगवान राम से भी बढ़कर हो? जानते हो सती सीता को भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी इसी दुनिया के कहने पर ना? भाभी क्षमा करना, भाभी घड़ा टूट गया। मिट्टी का घड़ा टूट कर जुड़ सकता है भैया, पर याद रखना स्त्री की लाज का शीशा एक बार टूट जाए तो कभी नहीं जुड़ सकता। ठीक है, लेकिन हम जो पूछते तुम उस बात का जवाब दो। क्या तुम इसका बिल्कुल पता नहीं था कि तुम्हारी बीवी छुप छुप अमलतू से मिला करती थी? गांव वाले जरूर कहा करते थे सरकार, पर मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन तुमने अभी तक अदालत को यह नहीं बताया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर भाग क्यों गई? आप तो जानते हैं सरकार, औरत की जात ही बेवफा होती है। तुम्हारा क्या मतलब है? ऑर्डर ऑर्डर। भैया रघु, इस तरह तुम यहाँ अदालत में आपस से बात होते रहे तो कैसे काम चलेगा? मुझे तो डर है तुम्हारा मजिस्ट्रेट का चांस भी कहीं गड़बड़ में न पड़ जाए। मजिस्ट्रेट का चांस, उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। एक ऐसे वकील को कौन मजिस्ट्रेट बनाएगा जिसकी बीवी के चाल चलन पर शक किया जाता हो? रघु, जिसके बारे में सारा शहर चर्चा कर रहा हो, क्या कर रहे हो तुम? अपनी बीवी के बारे में जबान से ऐसी बातें निकालते हो, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? मैं वही कह रहा हूं जो सारी दुनिया कह रही है। दुनिया बाकी है तो बाकी दो। ठीक कहते हो दुबे, मेरा भी यही उसूल रहा है, दुनिया पकती है तो पकने दो। लेकिन उस शक को कैसे निकालूं जो चोर की तरह छिपा बैठा है खुद मेरे ही मन के अंधेरे में? तो फिर